हेलो दोस्तों, रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डाइस, पासा। पासा होता क्या है? लूडो कभी आपने खेला होगा, जो एक उसमें एक डाइस होता है, पासा होता है। उसमें क्या होता है, एक घन या घनाप के आकार की एक छोटी सी डाइस होती है, जिसपे कुछ बिंदु बिंदु करके आकृति बनी होती है, ठीक है, बिंदु बिंदु टाइप की, जिसकी 6 सतहें होती हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। इस टाइप का होगा लूडो की गोटी, जो जिसे बोलते हैं पासा, डाइस, ठीक है। इसकी 6 सतहें हैं, कौन कौन सी वो देखते हैं। देखिए, ए बी सी और डी, एक फेस ये हो गया, ठीक है, ए ई एच और डी, एक फेस ये हो गया, और देखिए डी H, G, C, एक फेस ये हो गया, ये और ये हो गया, ठीक है, एक फ्रंट का और एक ऊपर का और एक ये। अब देखिए D, H, G, C ये हो गया ना, A, B, F और E, A, B, F और E, यानी ये वाली फेस। अब आगे देखते हैं, ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच, जस्ट इसके पीछे वाली। आगे देखते हैं, बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, ये नीचे वाली, ठीक है, ये हो गए हमारे 6 फेसिंग। अब देखिए, लेकिन इसमें जो है हमें केवल एक समय में केवल हमें 3 सतह ही दिखाई देगी, 3 फेस, जैसे कि ये है, हमें कौन कौन सा, एक फ्रंट का दिखाई दे रहा है, एक इस साइड का दिखाई दे रहा है और एक ऊपर का दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी सतह है, ए बी सी और डी, यानी ये वाला, और नेक्स्ट है ए ई एच डी, और नेक्स्ट कौन सा है, डी एच जी और सी, यानी ये वाला, ये फेसिंग हमें दिखाई देती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसे मानक पासा बोलते हैं, और जनरल डाइस होता है सामान्य डाइस, और ऑर्डिनरी डाइस या ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, साधारण पासा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज वह डाइज होता है जिसकी विपरीत सतह, अपोजिट सतह के दोनों के योग का क्या हो, 7 के बराबर हो, तो उसे बोलेंगे मानक पासा। मतलब कि जैसे कि इस यहां पे अगर कोई संख्या है और यहां पे कोई संख्या है, अपोजिट है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होगा, तभी उसे बोलेंगे क्या, स्टैंडर्डाइज। जैसे कि अगर यहां 2 हो तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, 5, ठीक है, यही ना होता है पासे में, 1 2 3 4 5 6 ये होता है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, 5 होगा, तभी तो इसके योग कितना होगा, 7, और यहां पे अगर 6 है तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, यहां पे 1 होगा, अगर यहां पे 3 है तो अपोजिट में इधर क्या होगा, बैक साइड में यहां 4 होगा, यानी कि 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, तब इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं ऑर्डिनरी और जनरल डाइस के बारे में। देखिए, यदि दो समान सतहों का योग 7 हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, सामान्य पासा, जनरल डाइस और साधारण पासा। जैसे कि सपोज दैट इसका और इस फेस का दोनों का अगर ऐड करेंगे तो दोनों का योग अगर 7 होगा तो ये क्या होगा, जनरल डाइस होगा, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है, जो इसके विपरीत सतह होता है ना, ये सपोज दैट ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, इन दोनों का जो योग होगा वो अगर सपोज दैट ये 5 है, ये 6 है,
तो दोनों का योग अगर योग होगा कितना होगा, 5 + 6 कितना होगा, 11, 11 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑर्डिनरी डाइस को पहचानने का तरीका यही है, इसको सीधे सीधे इसका अगर इसके यहाँ पे अगर फेसिंग फेसिंग देखिए, अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 5 हो, सपोज दैट, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल डाइस। ठीक है, सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसके फेसिंग पे कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है 4, 3 और 5। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहा है 1, 2, 6, 3, 4 और 5, ये डाइस है पूरा। ठीक है, तो अब इससे पूछेगा 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या बताएंगे इसमें। ठीक है, देखिए यहां पे, यहां पे जैसे ऑर्डिनरी पासा की बात हो रही है यहां पे, तो यहां पे सीधे सीधे इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे कितना होगा, 2 फेस है, दोनों फेस को सीधे सीधे ऐड करेंगे कितना आएगा, 7। ठीक है, तो 7 आएगा, तो हम इसके पीछे क्या 4 के अपोजिट में क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर पाए, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा एग्जैक्टली, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला होता है क्लोज डाइस से, दूसरा होता है ओपन डाइस से। ठीक है, और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं, या तो वो होंगे किस फॉर्म में, नंबर फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, समथिंग और भी हो सकते हैं नंबर, या 4, 5, 6 समथिंग ऐसे देखे वो पूछ सकता है। और देखिए, और एक होता है आपका सिंबल फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में पूछता है, जैसे कि डॉट हो गया, जो पासे में मैंने पीछे अभी आगे पढ़ाया था ना पीछे, ऐसे डॉट हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, समथिंग ऐसे, स्टार हो गया, इस टाइप से। और एक और है आपका अल्फाबेटिकल फॉर्म में, जैसे ये बनाएगा, ठीक है, इस टाइप का डाइस बनाएगा, उस पर अल्फा बीटा गामा करके इस टाइप से, उसके बाद फिर उसके एक और डाइस दे देगा, समथिंग इस टाइप से आपको क्लोज डाइस में बना के पूछेगा। और देखिए इसमें अल्फाबेटिकल और वर्ड के फॉर्म में भी दे सकता है, येलो, ग्रीन, रेड, ऐसे करके, कार हो सकता है, ऑडी हो सकता है, कुछ भी, मतलब नाम देगा, उसके साथ साथ आपको पूरा वो डिटेल दे देगा कि ये चीजें हैं और इसके अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, ओपन डाइस में भी वही चीजें होती हैं, सेम टू सेम। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं क्लोज डाइस की। क्लोज डाइस देखिए इस फॉर्म में होता है, ठीक है, बंद आकार का, केवल हमें 3 फेस ही दिखाई देता है, उसमें कुछ केसेस हैं, उसको देख लेते हैं। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवेन, मतलब डाइस में केवल हमें एक डाइस का एक पोजीशन गिवेन हो, ओनली 2 पोजीशन इज गिवेन, मतलब 2 डाइस की पोजीशन हमें दी हुई हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवेन, मतलब 2 से ज्यादा हमें डाइस दी हो, तब हम कैसे डाइस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं इन केसेस को। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवेन, अगर कोई एक डाइस दिया हो उसको अगर पूछे इसके अपोजिट में क्या होगा, तो देखिए या तो वो स्टैंडर्ड होगा या ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, अगर सपोज यहां पे दे देगा, यहां पे 4 दे दिया और ये दे दिया 5 और ये दे दिया कितना, 3, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, ये हो गया 7, 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा हो गया, ऑर्डिनरी। और जस्ट इसके पीछे क्या होगा, अगर 4 से पूछे या 3 से पूछे, तब तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना कि 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा, इसके पीछे हम तो ये तो नहीं बता सकते। अगर अगर यहां पे 6 होता और 2 होता और यहां पे हमारा 3 होता, सपोज 3 होता और ये 2 होता और ये 6 होता, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या आएगा,
स्टैंडर्डाइज में सिक्स के अपोजिट प्लस वन करेंगे तभी तो हमारा सेवन आएगा, ठीक है। उसी तरीके से टू के अपोजिट क्या आएगा, टू प्लस फाइव करेंगे तभी तो हमारा सेवन होगा, और थ्री के अपोजिट हम क्या करेंगे, थ्री के अपोजिट फोर करेंगे तभी तो हमारा सेवन होगा। देखिए ये सिंगल डाइस के बारे में है, जब वन डाइस गिवेन हो और उसके अपोजिट के बारे में पूछे तब के लिए है ये। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन ओनली टू पोजिशन इज गिवेन, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अपोजिट ऑफ वन। देखिए पासे में क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फेसिंग होती है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, अगर हमसे पूछा है एक के अपोजिट क्या होगा तो अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट करेंगे वन को, और वन से हम सीधे क्लॉकवाइज घुमा के लिख लेंगे। देखिए वन टू एंड फोर, उसी तरीके से इस पासे के भी यहां पे पॉइंट आउट करेंगे और सीधे हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। चलिए लिखते हैं वन थ्री एंड सिक्स, ये हो गया। अब तो हमें ये पता चल गया टू के अपोजिट में थ्री होगा, फोर के अपोजिट में फाइव होगा। अब बचा कौन सा, फाइव, तो फाइव क्या होगा, वन के किसी भी पोजिशन पे, या यहां पे या यहां पे, दोनों में से कहीं पे भी फाइव रख सकते हैं, यानी कि वन के अपोजिट क्या आएगा, फाइव, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये अभी तो दो का है। अब देखिए स्टैंडर्डाइज जो हमने पहले पढ़ा था, इसको और उसको दोनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन ओनली वन पोजिशन इज गिवेन एंड समथिंग, इसमें हमने स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी दोनों को बताया यहां पर, और यहां पर हमने क्या बताया, व्हेन ओनली टू पोजिशन इज गिवेन, मतलब दो पोजीशन डाइस की दो पोजीशन गिवेन हो और उससे हमें एक पॉइंट के अपोजिट में पूछे क्वेश्चन, तो कैसे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, उसके बाद सीधे हम इसे किसी एक का कॉमन लेके उसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट बैठा देंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मोर देन टू पोजिशन ऑफ डाइस, दो से ज्यादा डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, और अक्सर एग्जाम में दो से ज्यादा डाइस के ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।